एक मुबैना ऑडियो लीक हुई। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। मैं तो बुशरा बीबी से कभी मिली नहीं, तो मुझे तो उनकी आवाज का मालूम नहीं। गरीदा से पूछ लें आप, मेरी जाती तौर पे तो कभी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कभी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन। बुशरा बीबी साहिबा की ये 100% ऑथेंटिक ऑडियो है और आप ये समझ लें कि इसका फॉरेंसिक हुआ है। आपने वो जो फॉरेंसिक टेस्ट का सर्टिफिकेट है वो आपने देखा था? जावेद साहब तो मुझे कटहरे में ऐसे खड़ा कर रहे हैं कि जैसे मैंने उनके कोई ऑडियो रिलीज कर दी और मैंने रिलीज कर दी। पूरे पाकिस्तान में आप वाहिद जर्नलिस्ट हैं जो इतने यकीन के साथ कह रही हैं, तो जाहिर है फिर मैं खुद परेशान हो गया। इस ऑडियो में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं। देखिए गद्दारी तो बात की बात है, जब तक ये साबित नहीं होगा कि ये जेन्युइन ऑडियो है। अगर ये मुसद्दका होती तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी हो जाना था। गवर्नमेंट ऑन ही नहीं कर रही इसको किसी जगह पे। गरीदा साहब ये वैसे टेप रिलीज किसने की है पता आपको? नहीं, सारी बातें आपको ऑन रिकॉर्ड बता दी जाएं, कुछ बातें ऑफ रिकॉर्ड गपशप लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे। गपशप अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती है कि ये ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं है, अभी तक किसी ने नहीं कहा। शहबाज गिल ने एक्चुअली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने कहा ये जाली ऑडियो है। शहबाज गिल साहब तो जितना झूठ बोलते हैं मुझसे कहीं ज्यादा, वो आपको पता है। गरीदा मेरी बहन है, मेरी कॉलीग है, उसने कहा यार शहबाज गिल तो झूठा है, उसकी क्या बात सुननी है। गिल साहब को वो भी उतना ही जानती है जितना मैं जानती हूँ। हमें किसी को झूठा और सच्चा लेबल नहीं करना चाहिए। फिर आप मुझे बताएं नून लीग में कौन सा झूठा है, उसको भी साथ बता देते हैं। इसका ऑलरेडी सारे का सारा सबूत मौजूद है कि ये बुशरा बीबी साहिबा की ही ऑडियो है। बार बार जो गरीदा कह रही है कि ये बहुत अहमियत की हामिल वीडियो और ऑडियो है, तो ये उतनी ही अहमियत की हामिल होनी चाहिए जितनी मरियम नवाज की थी जब वो अपनी मीडिया सेल के लोगों को अहकाम जारी कर रही थी कि उसके एड्स बंद कर दो, मैंने उसको बता दिया है कि उस एनालिस्ट को ना बैठाओ, उस सहाफी को ना बैठाओ, वो हमारे खिलाफ बात करता है, उसको मैं देख लूंगी। गरीदा फारूकी साहिबा इतनी कंफर्म है तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इन्हीं से रابطہ करना चाहिए और इनसे कहना चाहिए कि जी आप हमारी इस सिलसिले में मदद करें ताकि लोगों की भी मदद हो।